आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस का संदिग्ध व्यक्ति मिला। संदिग्ध व्यक्ति थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान पकड़ा गया। पकड़ में आया व्यक्ति बिहार के मीरगंज का रहने वाला, जो पंजाब मेल के पेंट्री कार में काम करता। तबियत बिगड़ने पर वो ट्रेन से उतरा और जैसे ही उसने थर्मल स्क्रीनिंग कराई, टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिला। पूछताछ पर पता चला उसे खांसी जुकाम की शिकायत है। इसके अलावा उलझियां भी हुई। तत्कालीन विशेष टीम कोरोना वायरस के संदिग्ध व्यक्ति को एम्बुलेंस में बैठाकर जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ले गई। रेलवे के द्वारा सभी ट्रेनों 31 मार्च तक के लिए रद्द किया गया, लेकिन बीच रास्ते में चलने वाली ट्रेन है। स्टेशन पर पहुंच रही ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही। पेंट्री कार में काम करते हैं और ट्रेन से आए थे ये, और जैसे ही हम लोगों ने जो है थर्मल से स्कैन किया इसका, तो इसमें हाईली टेम्परेचर आया और हाईली लोडेड ऑफ वायरस था इसके, ऐसा सस्पेक्ट में आया है। विशेष टीम के द्वारा भेजा गया है इसको, विशेष टीम के द्वारा विद किट के द्वारा भेजा गया है, और बिल्कुल ही इसके जो सिम्टम थे वो कोरोना के ही लग रहे थे। अब इसका देखेंगे रिजल्ट क्या आता है इसका। इसका फीवर भी दिखाई दे रहा था। हाँ, इसका जो है 102 फीवर था इसको। अच्छा जी। और लास्ट नाइट इसने खुद बताया कि वॉमिटिंग भी हुई है इसको। अच्छा जी। और प्रॉब्लम थी इसको, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी इसको, थ्रॉट में प्रॉब्लम थी इसको। आगरा से ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट।